नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जोशी बाग बगीचा में। आज मैं आपको करीब एक डेढ़ महीने पहले जो मैंने नींबू की एयर लेयरिंग की थी, कूटी कलम बांधी थी, उसका अपडेट दिखाऊंगा। तो इसको यहाँ से हम खोल लेंगे, इसको यहाँ से ब्लेड से काट देते हैं दोनों कोने से। इसको आराम से खोल के मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसा इसका रिजल्ट कैसा रहा। इसको आराम से खोल लेंगे, इसको दोनों सिरे से धागा यहाँ से काट लेंगे, फिर ये पॉलीथीन जो बंधी है इस पर इसको निकालेंगे आराम से। आराम से निकालना है ताकि इसकी जो पिंडी है वो ना टूटे, नहीं तो ये पूरी निकल जाएगी तो ये ख़राब हो जाएगी। इस तरह से इसको निकाल लेंगे आराम से, इसे आराम से निकालना है ताकि इसमें ऐसे भी नहीं डैमेज ना हो, इसमें कि खुले ही ना। यहाँ से काट देते हैं धीरे से, इस तरह से पन्नी को हटाएंगे। तो ये हमने पन्नी हटा ली है, तो पॉलीथीन आराम से हटाएं। इसमें जो जड़ हैं दिख रही हैं हल्की हल्की, कैसी हैं अभी आपको मैं दिखाऊंगा। एक तरफ से ये देखिए बहुत लंबी जड़ें आ चुकी हैं इसमें, यानी कि ये पौधा हमारा तैयार हो गया है नींबू का, जो मैंने एयर लेयरिंग से तैयार किया था। तो इसको ये देखिए बहुत ही अच्छी जड़ है। इसको आप नीचे से काट के आप कहीं किसी गमले में या पॉट में या फिर ज़मीन में लगा सकते हैं, पर मैं अभी इसको नहीं काटूंगा। इसको बाद में एक करीब 15-20 दिन बाद इसको यहाँ से नीचे से काट देंगे। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। अगर अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि गार्डनिंग से जुड़ी इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ जो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। नमस्कार।